लीजिए सुनिए हेक्टर ह्यूग मुनरो उर्फ साकी की लिखी हुई एक बहुत रोचक लघु कथा द ओपन विंडो का हिंदी रूपांतर खुली खिड़की। 15 साल की उस जवान लड़की ने कहा, मेरी आंट बस आती ही होंगी मिस्टर नेटल, तब तक आप चाहें तो मुझे बर्दाश्त कर सकते हैं। वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी। फ्रॉम्पटन नेटल ने आंट की गैर मौजूदगी में उनकी भतीजी को खुश करने के लिहाज से कुछ बातचीत की, पर उसके मन में यही दुविधा थी कि क्या इस तरह अजनबी लोगों से मुलाकातें उसकी घबराहट के उपचार में मददगार साबित होंगी। जब वो इस शांत ग्रामीण इलाके में आने की तैयारी में था, तब उसकी बहन ने उससे कहा था, जो 4 साल पहले यहीं प्रवास कर लौटी थी, फ्रॉम्पटन तुम वहां एकदम अकेले पड़ जाओगे, किसी से बातें करने को तरस जाओगे, जिससे तुम्हारी घबराहट कम होने के बजाय बढ़ सकती है। बेहतर यही होगा कि तुम वहां जाते ही कुछ लोगों से मेल मुलाकात कर लो। जिन लोगों को मैं वहां जानती हूं उनके नाम पत्र लिखकर परिचय के वास्ते तुम्हें दे दूंगी। जहां तक मुझे याद है कुछ लोग वहां बहुत भले थे। फ्रॉम्पटन नेटल ये तय नहीं कर पाया था कि मिसेस सेपल्टन, जिनसे वो भेंट करने आया है, वो उन भले लोगों की श्रेणी में आती है या नहीं। क्या तुम यहां बहुत लोगों को जानते हो? मिसेस सेपल्टन की भतीजी ने पूछा। शायद ही कोई हो, फ्रॉम्पटन ने कहा। करीब 4 साल पहले मेरी बहन यहीं रेक्टर निवास में रही थी। उन्होंने ही कुछ लोगों के नाम परिचय पत्र दिए हैं। ओह, इसका मतलब तुम मेरी आंट के बारे में कुछ नहीं जानते होगे? उस सौम्य और शांत लड़की ने कहा। बस उनका नाम पता ही जानता हूं, फ्रॉम्पटन नेटल ने स्वीकार किया। उसको यह भी समझ नहीं आ रहा था कि मिसेस सेपल्टन, जिनसे वो भेंट करने आया है, विवाहित जीवन गुजार रही हैं या विधवा हैं। कमरे को देखकर तो लग रहा था कि यहां मर्द भी रहते होंगे। 3 साल पहले उनके साथ बड़ी दुर्घटना हो गई, लड़की ने कहा। शायद तुम्हारी बहन के जाने के बाद की बात होगी। क्या बड़ी दुर्घटना? फ्रॉम्पटन नेटल ने पूछा। इस शांत देहात में दुर्घटना की कल्पना करना भी मुश्किल था। बहुत बड़ी दुर्घटना, तुमको शायद आश्चर्य होगा। वो देखो, वो बड़ी सी खिड़की, पता है उस खिड़की को हम अक्टूबर में भी क्यों खुली रखते हैं? साल का ये समय काफी गर्म होता है, लेकिन क्या इस खिड़की का उस दुर्घटना से कोई संबंध है? 3 साल पहले एक दिन उनका पति और उनके 2 जवान भाई शिकार के लिए इसी खिड़की से बाहर गए थे, पर वो कभी लौट कर नहीं आए। अपने पसंदीदा पक्षी का शिकार करने के लिए बंजर भूमि पार करते समय एक खतरनाक दलदल उन तीनों को निगल गया। उस साल गर्मी का मौसम भीषण गीला था, और तुम जानते हो जो जो स्थान पहले हमेशा सुरक्षित समझे जाते थे, कोई भी चेतावनी दिए बिना धंसने लगे थे। उनके शव कभी नहीं मिल सके। ये सबसे ज्यादा दुखद बात थी। यहां उस बच्ची की आवाज ने अपना शांत स्वर खो दिया और वो लड़खड़ाती आवाज में बदल गया। बेचारी आंट हमेशा यही सोचती है कि वो किसी दिन वापस आ जाएंगे। वो और उनके साथ गया उनका छोटा सा पूरा छपरा कुत्ता किसी दिन इसी खिड़की से अंदर आएंगे, जैसे हमेशा आया करते थे। इसीलिए ये खिड़की हर रोज शाम से लेकर अंधेरा छाने तक खुली रखी जाती है। मेरी भोली भाली बेचारी आंट अक्सर मुझे बताती रहती है कि वो किस तरह बाहर गए। उनके पति ने अपना वाटरप्रूफ सफेद कोट अपनी बांह पर लटकाया हुआ था, और रोनी उनका सबसे छोटा भाई उनको चिढ़ाने के लिए हमेशा की तरह बर्टी वाई डू यू बाउंड कहते हुए जा रहा था। क्या आप समझ सकते हैं, तब से लेकर आज भी ऐसी ही किसी खामोश शाम को अक्सर मुझे एक सिहरन सी महसूस होती है कि वो इसी खिड़की से अभी अंदर आएंगे।
अचानक कुछ डर के मारे वो चुप हो गई। तभी उसकी आंट ने माफी मांगते हुए कमरे में प्रवेश किया। उम्मीद करती हूं वेरा ने तुमको उबने का मौका नहीं दिया होगा, उन्होंने कहा। नहीं, वो बहुत रोचक बातें करती है, फ्रम्प्टन ने जवाब दिया। मैं समझती हूं इस खुली खिड़की से तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, मिसेस सेपल्टन ने जल्दी में कहा। मेरे पति और उनके भाई शिकार करके सीधे घर आते ही होंगे और वो हमेशा इसी रास्ते से अंदर आते हैं। आज वे दलदल में पक्षी आखेट के लिए गए हुए हैं, इसलिए मेरे कालीनों की खैर नहीं, सब गंदा कर डालेंगे अपने कीचड़ सने जूतों से। तुम मर्द लोग होते ही ऐसे हो, सही कहा ना? वो शिकार, पक्षियों की दुर्लभता और शीतकाल में बत्तख मिलने की संभावनाओं के बारे में खुश होकर बोलती रही। फ्रॉम्प्टन के लिए यह सब बड़ा भयावह था। उसने देखा कि उसकी मेजबान उसकी ओर बहुत कम ध्यान दे रही है और उसकी आंखें बराबर खुली खिड़की की तरफ और उसके भी आगे लॉन की दिशा में लगी हुई है। फ्रॉम्प्टन को लगा कि कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उसका ऐसी भयावह दुर्घटना की वर्षगांठ पर मिलने आना हुआ। जी, मेरी बहन ने आपका पता दिया था। मेरे लिए डॉक्टरों की सलाह है कि मुझे पूरा आराम करना चाहिए, मानसिक उत्तेजना से पूरी तरह बचना चाहिए और किसी भी प्रकार का उग्र शारीरिक श्रम नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ इस देहात में आया हूँ। और फिर फ्रॉम्प्टन अपनी बीमारी के बारे में तफसील से बताता रहा, पर मिसेस सेपल्टन अनमने ढंग से उसकी बातें सुनती रही, लेकिन उनकी निगाहें बराबर उसी खुली खिड़की की तरफ लगी हुई थी। अचानक मिसेस सेपल्टन की आंखें चमक उठी। आखिरकार वो आ ही गए, उन्होंने चीख कर कहा। ठीक चाय के समय, और देखो तो आंखों तक कीचड़ से भरे हैं। फ्रॉम्प्टन थोड़ा सिहर गया और सहानुभूति दिखाने के इरादे से उस लड़की की ओर मुखातिब हुआ। वो भी अपनी आंखों में गहरी दहशत लिए खुली खिड़की से बाहर ताक रही थी। एक सिहरन भरे अनाम भय के साथ फ्रॉम्प्टन अपनी सीट में घूमकर उसी दिशा में देखने लगा। सांझ के गहराते अंधेरे के बीच तीन आकृतियां खिड़की की तरफ चलकर आती हुई दिख रही थी। उन सब की बगल में उनकी बंदूकें लटकी हुई थी और उनमें से एक के कंधों पर सफेद कोट झूल रहा था। एक थका हुआ भूरा झबरा कुत्ता उनके साथ साथ चल रहा था। बड़े शांत तरीके से वो लोग घर की ओर बढ़े और फिर उस अंधियारे के बीच से एक कर्कश जवान आवाज आई। बर्टी, व्हाई डू यू बाउंड? फ्रॉम्प्टन ने तुरंत अपनी छड़ी पकड़ी, हैट उठाया और पीछे मुड़कर देखे बिना बजरी बिछे रास्ते को दौड़ता लांगता हुआ मुख्य द्वार से निकलकर नाक की दिशा में तीर की तरफ भागता चला गया। सड़क पर सामने से आते एक साइकिल सवार को सीधी टक्कर से बचने के लिए झाड़ियों की तरफ मुड़ जाना पड़ा। हम आ गए माय डियर, सफेद कोट वाले ने खिड़की से अंदर आते हुए कहा। अरे, वो कौन था जो हमारे आते ही एकदम दौड़ गया? था एक अजीब इंसान, मिस्टर नेटल, मिसेस सेपल्टन ने कहा। सिर्फ अपनी बीमारियों के बारे में बोलता रहा और आपके आते ही गुड बाय या सॉरी का एक शब्द कहे बिना भाग गया। कोई यही सोचेगा कि उसने कोई भूत देखा था। आंट की भतीजी ने बड़ी शांति से कहा। मैं समझती हूं वो कुत्ते से डर गया होगा, उसने मुझे बताया था उसे कुत्तों से बहुत डर लगता है। एक बार नदी के किनारे आवारा कुत्तों का एक झुंड उसके पीछे पड़ गया था और उसे किसी कब्रिस्तान तक खदेड़ता ले गया था, जहां उसे अपनी जान बचाने के लिए एक नई खुदी कब्र में पूरी रात बितानी पड़ी थी। ऊपर से बड़े बड़े दांतों वाले सियार किस्म के भयानक जानवर उस पर गुर्रा रहे थे और जीभ लपलपाते हुए उसे खा डालने को आतुर हो रहे थे। ऐसे में किसी की भी हिम्मत टूट जाएगी। झट से माहौल को रोमांचकारी बना देना उस लड़की की विशेषता थी।
हूँ।